की वजह से आए थे, क्या मिला? हेलो मध्यान मिला जी, बताइए बताइए। कहीं से यह मैसेज गया कि यहाँ पर बदबू है, इसी को तस्दीक करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ ये जो खंडहरनुमा मकान है चारों तरफ ऊपर नीचे मैंने नए सिरे से तस्दीक किया। इस तरह की कोई भी बदबू हमें नहीं दिखी है। पुलिस बल कल से ही तैनात है, अभी हमने बैरिकेड भी करा दिया है। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक कोई सूचना तस्दीक और प्रमाणित नहीं होती है तब तक हम लोग बैलेंसिंग रिपोर्टिंग करें, मेरा ये आपसे अनुरोध होगा। यदि कोई ऐसी बात आएगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। एफएसएल की रिपोर्ट दो घंटे में आ जाएगी, एफएसएल की रिपोर्ट और सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, क्या कहेंगे? एफएसएल की रिपोर्ट के लिए कल डॉकेट तैयार करके पूरी रिपोर्ट द्वारा उचित माध्यम एफएसएल भेजा गया है और वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे वार्ता हुई थी। जाँच में समय लगता है, हमें लग रहा है कि आज शाम तक जांच कंप्लीट हो जानी चाहिए। ब्लड ब्लड इंसान का है या जानवर का, ये तो क्लियर हो जाता है। एक हफ्ते या चार दिन दो दिन तीन दिन कितना पुराना ब्लड है? यह क्लियर हो चला है कि यह खून है, लेकिन खून किसका है यह स्पष्ट करने में डायरेक्टर महोदय से बात हुई थी एफएसएल के। उनका ये कहना है कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और लग रहा है कि आज शाम तक क्लियर कर देंगे। सीसीटीवी फुटेज की आपने कल बात की थी, क्या आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कुछ आपको संदिग्ध दिखा है? मेरी टीम इस जो ये टूटा हुआ आवास कार्यालय दिख रहा है इसके दाहिने तरफ भी और इधर लेफ्ट साइड भी सीसीटीवी कैमरे हैं जिसको पुलिस ने देखा है। आते जाते हुए कई लोग दिख रहे हैं क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, लेकिन ऐसा कोई संदिग्ध नहीं दिखा अभी तक जो अंदर प्रवेश किया हो, तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं। बाकी मैन्युअली भी हमारी टीमें लगी हुई हैं जो देख रही है कि कौन लोग हो सकते हैं या क्या हो सकता है। पुलिस की सक्रियता सर अचानक यहाँ बढ़ गई है, कारण क्या है सर? सर ये अभी तो यह मकान खाली था, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ कौन आ रहा है। मैं अगल बगल लोगों से पूछा, बोले यहाँ इसमें किए रात में आते थे बैठते थे, तो अचानक सक्रियता क्यों बढ़ गई सर? आपका यह कहना सही है। पहले तो आपको बताऊँ कि सालों साल यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तिराहा हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।